Workers have staged a protest in support of Lok Sabha LOP and Congress MP Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra at the Ghazipur border on the Delhi-Meerut expressway as they are likely to visit violence at Sambal today. Abhishek continues to be with us. Abhishek, Congress workers staging a protest in support of Rahul Gandhi at the Ghazipur border. Congress workers reaching there in large numbers. That how Congress, and this is because of the UP chief, he has stated on his X handle that people should gather to Ghazipur border, they should come to welcome Rahul Gandhi, and after that they will head towards the Sambal. And after this call, the people has started, the leaders of the political members, who belongs to Congress or some of the social activists also, they have reached the Ghazipur border and they are supporting, they are saying that the administration should allow Rahul Gandhi, yes, leader of opposition. Abhishek, stay with us. In fact, Kanika Katyar is also joining us now live. Kanika, what time is Rahul Gandhi expected to leave for Sambal? देखिए उदय, मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है वो 10 जनपद के बाहर है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी दर्शकों को, किस तरह की तैयारियां जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर जो है हो गई हैं। लगभग तमाम जो गाड़ियां हैं वो अंदर पहुंच गई हैं। इसके अलावा जो है कहा जा रहा है कि 10 बजे का वो समय है जब राहुल और प्रियंका जो है वो एक साथ संभल के रवाना होंगे। अभी जो प्रियंका गांधी है वो अपने आवास पे है, पहले वो 10 जनपद आएंगी जो कि सोनिया गांधी का आवास है वहां पर, उसके बाद जो है राहुल और प्रियंका गांधी एक साथ संभल के रवाना होंगे। तमाम जो यूपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेता है, वो भी राहुल और प्रियंका के साथ जाएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगी, तमाम जो वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, वो इस वक्त 10 जनपद पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, राहुल संभल पहुंच पाएंगे, आप लोगों को उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कई बार जोर आजमाइश भी की है, राहुल जी प्रियंका जी को रोकने की कोशिश की है। जैसे हाथरस भी रहा, वहां भी राहुल जी पहुंचे और हमें पूरी उम्मीद है और हम राहुल जी को लेने आए हैं। मैं संभल से कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, राहुल जी संभल पहुंचेंगे और उनके दुख में शामिल होंगे और उनकी बात को सुनेंगे ताकि सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठाई जा सके। जो सत्य न्याय दिलाने का एक प्रण कांग्रेस के एक वर्कर से लेके नेता का है, तो न्याय के लिए राहुल गांधी हमेशा। राहुल वहां जाएंगे तो मामला और खराब भी हो सकता है, वहां पे जो है सांप्रदायिक मामले जो है बढ़ सकते हैं? नहीं, किस तरह से बढ़ सकते हैं, ये प्रशासन अपनी तरफ से डेटे बढ़ाता जाए, कहे कि बाहरी लोगों को, जबकि मैं तो वहाँ का लोकल हूँ, हमें भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर आप किसी के दुख में शामिल होने जाते हैं तो वह भड़काने जैसी कहाँ से बात आ जाएगी? आप किसी के दुख दर्द में शामिल होना किसी को भड़काना नहीं होता, ये किसी तरह से, अगर दुख में शामिल कोई भी व्यक्ति होता है तो उसे संवेदनाएं व्यक्त करने जाता है। राहुल जी हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं और राहुल जी वहां पहुंचेंगे, हम उनके साथ। आप कहां से? मैं भी संभल से हूं और संभल में सांप्रदायिक तनाव नहीं है। प्रशासन से और मुस्लिम में तनाव है, सांप्रदायिक तनाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, ये योगी प्रशासन ने झगड़ा कराया है, प्रशासन ने, वो चाहते हैं राहुल गांधी के वहां जाने से बीजेपी को मौका मिल जाएगा आप लोगों को परेशान साधने का? नहीं नहीं, कोई मौका नहीं मिला राहुल गांधी के वहां जाने से, उन लोगों के जख्मों पे मरहम लग जाएगा जिन लोगों को योगी सरकार ने जख्म दिए हैं। तमाम जो वर्कर्स हैं, अलग अलग जगह से जो कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, वो उदय यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो राहुल गांधी को सपोर्ट देने आए हैं ताकि राहुल गांधी संभल पहुंच सके। और जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार ये बोलते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और खोलते आए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी वहां जाके तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 10 बजे का वो समय है उदय जब राहुल और प्रियंका एक साथ जो है दिल्ली से रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो जगह हैं जहां पे बैरिकेड्स किए गए हैं, तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो सील किए गए हैं। लेकिन बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वो संभल जाएंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से ये एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी किसी के दुख में शामिल हो, इसीलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी गई है, इस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, अंदर तमाम जो अरेंजमेंट है वो शुरू हो गए हैं और तमाम जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गेट के बाहर भी दिखाना चाहूंगी आपको किस तरह से जो है सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और बल्कि वर्कर्स जो है वो लगातार नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी को समर्थन में पहुंचे हुए हैं।